आश्चर्यजनक जादूगर। मर्लिन ही वो शक्ति थे जो सिंहासन के पीछे से उसे निर्देश देते थे। रहस्यमय तांत्रिक। उनका काम पवित्र जीवों से संपर्क साधना था ताकि यहाँ पृथ्वी पर जरूरी बदलाव किए जा सके। और ऐसे आसमानी जीव जिनके पास थी अकाल्पनिक ताकत। जो चीज एक जादुई मुकाबले के तौर पर शुरू हुई थी वो एक खूनी खेल में बदल गई। हमारे पूरे प्राचीन इतिहास में जादू को इलाज से लेकर देवताओं से संपर्क साधने तक हर चीज में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या वाकई असली जादू का वजूद है? अगर हाँ तो क्या ये किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आया है? ऐसा लगता है कुछ इंसानों ने ब्रह्मांड की ताकत को इस हद तक अपने कब्जे में ले लिया था जो आम लोगों के समझ के बाहर है। हमारे पूर्वज मानते थे कि उन्होंने जादू देवताओं से सीखा था। एलियन गॉड्स ने ही उन्हें सिखाई थी ये जादूगरी। दुनिया भर में फैले लाखों लोग मानते हैं कि हमारे ग्रह पर एलियंस आते थे। क्या हो अगर ये सच हो? क्या सचमुच एंशिएंट एलियंस ने हमारे इतिहास को बेहतर दिशा दी थी? क्या हमें इस बात के सबूत देवताओं के जादू को खंगालने पर मिल सकते हैं? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? एंशिएंट एलियंस। लास वेगास, नेवाडा, 2009। जादूगर स्टीव वायरिक ने 40 दर्शकों को भौचक्का कर दिया जब उन्होंने एक 3 टन की हमर को पर्दा लगा दो चुटकी बजाते ही गायब कर दिया। सब लोग अब हाथ पकड़ लीजिए। ओके, ऑल राइट। हमर के चारों तरफ खड़े 40 लोगों, ये देखो, हटा दो, चलो। इस तरह के भ्रमजाल की लोकप्रियता दुनिया में जादू की दीवानगी को दिखाती है जो मौजूदा दौर में ही नहीं हजारों साल पहले भी मौजूद थी। कहीं ना कहीं हम ऐसी अलौकिक ताकतों से खुद जुड़ना चाहते हैं और हम चाहें तो चंद घंटों के लिए उससे जुड़ भी सकते हैं किसी मैजिक शो का टिकट खरीद कर। जब हम किसी थिएटर में जाते हैं और स्टेज मैजिशियन को देखते हैं हम जानते हैं कि हमारी आंखों के आगे होने वाली हैरत अंगेज घटनाएं वाकई नहीं घट रही हैं, चाहे वो कितनी भी असली क्यों ना दिखे। कई बार हम प्राचीन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं, वो जादू से भरी दुनिया में रहते थे। उस वक्त हम जिंदगी और जादू की दुनिया में कोई फर्क नहीं समझते थे। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे में ही समाई हुई थी, इसलिए जादू में हर शख्स पूरा यकीन करता था। ये एक नजरिया है जिसमें पूरी दुनिया जुड़ी हुई दिखाई देती है और ऐसी टेक्नोलॉजी भी जिसके जरिए हम इस चलती फिरती दुनिया में कुछ अनोखे बदलाव पैदा कर सकते हैं। जादू किसी अहम घटना के नतीजे को प्रभावित करने का एक मौका देता है। ये देवताओं की मर्जी जानने और उनसे सीधे सीधे संपर्क साधने का तरीका है। प्राचीन काल में कहा जाता था कि जादू देवताओं की शक्ति है। इसे अलौकिक माना गया है। ये हमारी साधारण हकीकत की सीमाओं से परे है। ऐसा लगता है कुछ इंसानों ने ब्रह्मांड की ताकत को इस हद तक अपने कब्जे में ले लिया था जो आम लोगों के समझ के बाहर है। जादू को प्राचीन दुनिया में किसी ना किसी वजह से प्रतिरोधी माना जाता था, जिसका मतलब है लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव के लिए आध्यात्मिक आयामों को काबू में करने की कोशिश करते थे। जैसे कि आज की दुनिया में जादूगरी का मतलब है चालबाजी से काम लेना। प्राचीन दुनिया में आत्माओं पर काबू करके उन्हें किसी की जिंदगी खराब करने और उनका फैसला करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब आप इसे किसी की तकदीर कह सकते हैं या फिर किसी की मर्जी भी कह सकते हैं। लेकिन क्या प्राचीन दुनिया में वाकई जादू का वजूद था? किसी स्टेज शो का जादू नहीं,
बल्कि वो जादू जिसमें समाई थी देवताओं की अलौकिक ताकत। शांगशी प्रोविंस, चीन में, वक्त 7वीं सदी। यह है जोंगचाओ पहाड़ी श्रृंखला। चीनी गाथाओं के मुताबिक यहां जोंगोलाओ रहते थे। माना जाता है वो ऐसे टाओइस्ट संत थे जिनके पास अनोखी जादुई काबिलियत थी, साथ ही कुदरत के रहस्यों को समझने की क्षमता थी। उन्हें 8 इमॉर्टल्स में से एक कहते हैं। चीनी इतिहास में इन 8 इमॉर्टल्स का जिक्र कई जगह किया गया है। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनका वाकई कोई वजूद था, और वक्त बीतने के साथ साथ इन लोगों से जुड़े कई और किस्से भी गढ़ दिए गए। माना जाता है कि जोंगोलाओ 7वीं और 8वीं सदी के मध्य में चीन में रहता था, और वो उस वक्त भी अपनी अनोखी जादुई कलाओं के लिए मशहूर था। जोंगोलाओ वाकई 8 इमॉर्टल्स में सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। उन्हें एक बूढ़े की तरह दर्शाया जाता है। वो खुद को गायब कर सकते थे। वो कई दिनों तक बिना खाए रह सकते थे। पौराणिक चीनी गाथाओं के मुताबिक जोंगोलाओ सबसे पहले ब्रह्मांड के शुरुआत में प्रकट हुए थे, जहां वो ब्रह्मांड की हलचल से एक सफेद चमगादड़ के रूप में पैदा हुए। उन्हें एक पैदाइशी अल्केमिस्ट, जादूगर और तांत्रिक माना जाता था। जोंगोलाओ को ज्यादातर एक जादुई खच्चर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कि वो पीछे की तरफ मुंह करके बैठा है। ये खच्चर पवित्र हवाओं पर सफर कर सकता है और एक ही दिन में बिना रुके हजारों मील का सफर तय कर सकता है। जब जोंगोलाओ को रात गुजारने के लिए कोई जगह मिल जाती थी तो वो अपने खच्चर को फोल्ड कर लेते थे। वो उसे किसी कागज के टुकड़े की तरह फोल्ड करके इतना छोटा बना देते थे कि जेब में भी रखा जाए। उस पर पानी छिड़क कर उसे सही आकार में ले आते थे। वो फिर बड़ा हो जाता था। यहाँ एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो सफेद खच्चर नतीजा था किसी शानदार एलियन टेक्नोलॉजी का, जिस पर बैठकर वो पूरे चीन का चक्कर लगाते थे? ये पूरी तरह मुमकिन है कि वो यहाँ किसी किस्म की क्राफ्ट की ओर इशारा कर रहे हैं, और खुद जोंगोलाओ भी कोई एलियन ही थे, और उनकी क्षमताओं और टेक्नोलॉजी को दर्शाने के लिए हमारे पूर्वजों ने ही उन्हें बना दिया था एक जादुई प्राणी। क्या यह मुमकिन है कि एलियन ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते होंगे जिस टेक्नोलॉजी से फ्लाइंग मशीन बनी हो, और वो खुद को हाइपर स्पेस में फोल्ड कर सकती थी, जो किसी एडवांस्ड एनर्जी प्रोपल्शन सोर्स पर चलती थी? आप उस पर सफर कर सकते थे। ये छोटी थी, ये कॉम्पैक्ट थी, और सफर पूरा होने पर ये हाइपर स्पेस में फोल्ड हो जाती थी, और आप इसे हाथ में उठा सकते थे और पूरी चीज फोल्ड हो जाती थी। क्या ये संभव है कि जोंगोलाओ का वाकई कोई वजूद था? अगर हाँ, तो क्या कायाकल्प की उनकी शानदार शक्तियां ट्रांसपोर्टेशन की किसी विकसित या शायद एलियन तकनीक का नतीजा